हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप जानते हैं एमएफयू में आपको एसआईपी करना बहुत ही आसान है। पहले मैंने 2021 में आप लोगों को वीडियो दिया था शेड्यूल परचेज प्लान। शेड्यूल परचेज प्लान यानी आप अपने प्लानिंग को जिस टाइप से चाहें, डेली, मंथली, वीकली या कोई भी आप एक स्ट्रेटजी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल परचेज प्लान कर सकते हैं। लेकिन एसपीपी का फायदा आप भी अभी उठा सकते हैं, और वो भी एसआईपी के लिए। अगर आपको एसआईपी करना है तो उसमें अगर आप इन्वेस्टर हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत आसानी से बिना किसी झंझट के एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल ऐप से कोई करते हैं वैसे ही आप इसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शेड्यूल परचेज प्लान को आप कैसे करेंगे और एसआईपी अपना कैसे मिनटों में स्टार्ट करेंगे उसके बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना, अगर आप नए हैं, आपने एमएफयू पर अकाउंट अपना क्रिएट नहीं किया है, तो आप अपना कॉमन अकाउंट नंबर CAN नंबर बना लीजिए। क्योंकि आपने कहीं से भी इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे आपने गूगल से किया हो या कहीं से भी आपने म्यूचुअल फंड्स लिया हो, वो सारा आपके एमएफयू अकाउंट पर दिखता है। एक जगह से आपको रिकॉन्सिलेशन करके मिलता है, क्योंकि एमएफयू कोई कंपनी नहीं है। ये आपका जो जितने भी एएमसी हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग है, सब लोग मिलके इसको चलाते हैं, और इसमें कोई चार्जेज नहीं है। आने वाले समय में भी कोई चार्ज नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आप अपना एमएफयू में कॉमन अकाउंट नंबर बना लीजिए। उसके लिए वीडियोज मैंने दिया हुआ है कॉमन अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही 5 मिनट में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपको एसआईपी करना है तो उसमें आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है और साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपको एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। पहले साइन इन करेंगे तो आपको दोबारा वैलिडेशन के लिए ऑथेंटिकेशन पासवर्ड डालना पड़ेगा। और यहां पर पासवर्ड मैं ओटीपी के थ्रू मंगा लेता हूं कि हमारे पास ओटीपी आ जाए, और उसको मैं यहां पर डाल देता हूं। दोनों ऑप्शन है, अगर आपने पासवर्ड बनाया है तो वो भी कर सकते हैं, या ओटीपी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहां पर ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए और सेंड ओटीपी कर दीजिए। जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे, आपके पास एक मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, जिसमें पहला ये अक्षर लिखा होगा QRN-, जैसे वहां पर उस समय जो भी होगा आपके सामने होगा। तो अभी मेरे पास ये लिखा हुआ, तो आपके पास जो मैसेज आएगा ऐसे ही आएगा, और उसके आगे जो मैसेज आपको लिखा होगा वो चीजें आपको लिखनी है। तो मैंने यहां पर लिख दिया और साइन इन कर देते हैं। साइन इन करने के बाद आपका पेज सामने खुलकर आ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये पेज खुलकर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पर जाकर आप अप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपको इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना एसआईपी करना है। डिस्ट्रीब्यूटर तो सिंपल आपको लिंक भेज देगा, वहां से काम हो जाएगा, लेकिन आप इन्वेस्टर हैं तो कैसे करेंगे वो समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पेज खुलकर सामने आ जाता है। जितने भी आपने म्यूचुअल फंड्स लिए होंगे वो सारा आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कैश में इतना है, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फंड्स यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको अब एसआईपी करना है। तो यहाँ पर आपको जाना है कैन ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, कैन ट्रांजेक्शन पर जाएंगे। कैन पर आप क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आता है एनएफओ मॉड्यूल्स, परचेज, रिडीम, स्विच और एसपीपी यानी शेड्यूल परचेज प्लान। यहाँ पर एसआईपी भी है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पे इज बनाना जरूरी, यानी बैंक मैंडेट होना चाहिए तब जाके करेंगे। लेकिन बैंक मैंडेट तो किया नहीं हमने, तुरंत अपना एमएफयू का अकाउंट खोला और अप्रूव होने के बाद हम इसमें एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपल एसपीपी पर क्लिक करना है, शेड्यूल परचेज प्लान। शेड्यूल परचेज प्लान पर आप क्लिक करेंगे और आपके पास जैसे गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, या आपके पास जो बैंक की यूपीआई आईडी होता है उससे आप आसानी से कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग है उससे भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल, अब आपके पास ये शेड्यूल परचेज प्लान खुलकर आ गया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी विद चेंज ऑफ अमाउंट। जैसे कहते हैं लोग, शिप टॉपअप चाहिए, सिर्फ टॉपअप चाहिए, मुझे हर साल के बाद इतना बढ़ा हुआ चाहिए। तो अगर सिर्फ टॉपअप चाहिए तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ अमाउंट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नॉर्मल सिप चाहिए तो यहाँ पर इसको रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर रखने के बाद फ्रीक्वेंसी आपको चूज करना है, आपको डेली पैसा इन्वेस्ट करना है, वीकली करना है, मंथली, मंथ में 2 बार करना है या 1 बार करना है, या 2 महीने के बाद करना है, 3 महीने पे करना है,
6 महीने पर करना है या साल में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप चूज करते हैं कि मुझे मंथली करना है, तो आप मंथली सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है किस दिन को पैसा आपका कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि 5 तारीख को पैसा कटे, तो यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर पहला कब स्टार्ट होना चाहिए, तो आज से स्टार्ट होना चाहिए, तो आज ही आप कर लीजिए। चलो 5 अगस्त हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 5 अगस्त नहीं होगा क्योंकि खत्म हो गया आज का टाइम, तो इसमें हमें डेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम 7th करते हैं, तो अब हमने डेट सेलेक्ट कर लिया 7th आ गया। और यहाँ पर एंड पीरियड टाइप, यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, आप कब तक ये सिप चलाना चाहते हैं, आप तो डेट डाल दीजिए, या कितने अपने इंस्टॉलमेंट चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 10 साल चलाना चाहते हैं, तो 10 साल का मतलब हो गया 120 मंथ, ठीक है ना, क्योंकि मंथली आप कर रहे हैं। या आप 20 साल चलाना चाहते हैं तो 240 मंथ लिख दीजिए। ये पहले भी आप बंद कर सकते हैं, और SIP स्टॉप करने का तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ कि आप इजीली स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है जो आप पिछले वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अप्रूवल टाइप पर आप चले जाइए, यहाँ पर है 1 टाइम अप्रूवल, एवरी टाइम अप्रूवल। आप चाहते हैं कि हर बार आप अप्रूव करो तभी इन्वेस्ट हो, या जैसे नॉर्मली SIP चलता है, एक बार आपने अप्रूव कर दिया ऑटोमेटिक हरदम कटते रहेगा, तो SIP में वैसे ही करना चाहिए कि एक बार अप्रूव कर दो और काम खत्म, टेंशन ना रहे। तो 1 टाइम अप्रूवल सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मेरे पास कई सारे कैन है, तो मैं एक कैन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कैन में मुझे इन्वेस्ट करना है, और यहाँ पर आ गया, ठीक है, अप्रूव्ड कैन है। अब आपके पास हमें फंड सेलेक्ट करना है, ट्रांजेक्शन्स में फंड सेलेक्ट करना है, कौन सा फंड आप लेना चाहते हैं, किस कंपनी का फंड ले, सारे कंपनी देखेंगे, सारी जो भी आप फंड चाहते हैं सारे फंड्स आपके यहाँ पर है, जो भी कंपनी चूज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम चूज करते हैं कि मुझे ICICI लेना है, और ICICI में अगर आपने फोलियो आपका बना हुआ पहले से, मान लीजिए कहीं से और आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका फोलियो दिखेगा यहाँ पर, अगर नहीं है तो नया कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे करंट फोलियो में ही इन्वेस्टमेंट हो, तो हम उस फोलियो को सेलेक्ट करेंगे, या चाहते हैं कि नया फोलियो बने तो नया सेलेक्ट कर सकते, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो हमने नया सेलेक्ट कर लिया या करंट चूज कर लिया, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट किसी ब्लू चिप कंपनी में हो, यानी लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं, तो हमने ब्लू चिप सेलेक्ट कर लिया। तो ब्लू चिप सेलेक्ट करने के बाद वहां पर डिविडेंड ऑप्शन होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रोथ सेलेक्ट किया है, आप देखेंगे तो ग्रोथ सेलेक्ट किया, इसलिए वो डिविडेंड ऑप्शन नहीं आएगा। अगर डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो डिविडेंड यहाँ पर आएगा। अमाउंट आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया कि 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका मंथली 100 रुपये भी हो सकता है, या 100 रुपये से जितना भी आप रखना चाहें। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि 1000 रुपया हो या 5000 हो, तो यहाँ पर आपने अमाउंट डाला और ऐड ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है। जैसे आप इसके बाद चाहते हैं कि चलो हमने इसको मॉडिफाई करना है, ये यहाँ पर हम एक में नहीं जाना चाहते, हम 8-10 सिप हम लगाएंगे इसमें, तो हमने यहाँ पर 100 रुपये रख दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ अब इसको मॉडिफाई कर दिया, अब मैं चाहता हूँ एक सिप तो हो गया, मैं दूसरा सिप भी चाहता हूँ, और वो भी मुझे चाहिए कहीं भी, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं दूसरी कंपनी के सिप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और इसको भी हमने न्यू कर दिया, यहाँ पर हमने चूज कर लिया कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में, ठीक है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या है कि मिनिमम 1000 रुपये का, तो हमने यहाँ पर 1000 रुपये डाल दिया, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया। इस टाइप से आप जितने SIP इसमें एक ही बार में अप्रूव करना चाहते हैं सारा ऐड कर सकते हैं। अब चलो हमने आपको दिखाने के लिए 2 ऐड कर दिया और यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे अब ट्रांजेक्शन टाइप में, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि नेट बैंकिंग से अप्रूव करना चाहते हैं, पे एज से, तो पे एज तो बनाया नहीं, यानी बैंक मैंडेट नहीं बनाया है, UPI, NEFT, RTGS, तो हम सेलेक्ट करेंगे UPI, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पेटीएम, गूगल पे सब कुछ है, तो हमने UPI सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब ओके करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसे ऐसे आपके पास आएगा, आप अप्रूव करेंगे, तो हमने ओके कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके करने के बाद आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएगी कि सर ऐसे ऐसे है, और आप उसको पूरा वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको OTP आया है, ठीक है, ये लिखा हुआ ना OTP डिटेल्स, तो आपके पास मोबाइल पे चेक करेंगे तो OTP आया होगा, आप OTP डाल सकते हैं। तो हमने, मेरे पास OTP आ गया है, तो मैं इस OTP को यहाँ पर डाल देता हूँ। ये पूरा डिटेल्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको
आसानी से आप अपना SIP स्टार्ट कर दें। हमने OTP डाल दिया और कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब ये आपका कंफर्म हो गया, यहाँ पर दिखा दिया कि आपका SIP 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आने वाले 7th को आपका ये SIP लग जाएगा आपके अकाउंट में। हमने अप्रूव कर दिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना, यानी SPP आपका शेड्यूल परचेज प्लान कंफर्म हो गया, अब चलने लगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, आपके पास यहाँ पर स्टेटस में दिख रहा है कि हमारे ये SIP चल रहे हैं। अब किसी कारणवश मुझे इसको मॉडिफाई करना है या बंद करना है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है एडिट, कैंसल, या इसके बाद हमारे पास ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर देखना है। तो अब मान लीजिए कि मुझे इसको कैंसिल करना है, ठीक है, तो हम यहीं से सिंपल क्लिक करेंगे और यहां पर लिख देंगे, कुछ भी लिखना है तो लिख दीजिए, नॉट एक्सेप्टेड या कुछ भी आप लिख दो, और यहां पर यस कर दो, ठीक है। ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। स्टेटस में जाएंगे, आपके पास जैसे शेड्यूल परचेज प्लान था तो सिस्टमेटिक ये हो गया, शेड्यूल ट्रांजेक्शंस, सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शंस, तो कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ आपका 0-0 हो गया। तो इस टाइप से आप अपना पूरा प्लानिंग आसानी से, मतलब 1 मिनट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अपनी चीज़ों को आप यहां से बैठे बैठे पूरा मैनेज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको SIP करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे लमसम हो या आपको SIP करना हो या टॉप अप करना हो, ये सारी चीज़ें आप SPP शेड्यूल ट्रांजेक्शन प्लान के थ्रू MFU पर कर सकते हैं। ये है शेड्यूल परचेज प्लान, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि इस प्लेटफॉर्म का जो फ्री में आपको कंपनी दे रही है इसका फायदा उठाएं। यहाँ पर सब कुछ एक जगह मिलता है, जिससे कि फ्यूचर में भी आपको अपनी प्लानिंग करने में सावधानी होगी। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स और भी हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बनाए हैं, तो आप जाकर इसको वॉच कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।